सांसद ने कितना विकास किया मऊ में, इसका खाका है आपके पास? नहीं, हमारा उसके पास हमारा, चूंकि हम लोग पूरे पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालयों पर 4 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। और आपको हम बता दें, सांसद ने यहाँ डुमरा गांव गोद लिया, चक्की मूसा दोषी को गोद लिया, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। एक बार मैं स्थानीय स्तर पर बात करूंगा, जो हर साल भर विकास निधि आती थी, क्या उसका बंडरबांट कर लिया सांसद ने? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा विषय नहीं है, मैं एक बार बात करूंगा सांसद। क्यों आपने, अगर जनता इसका जवाब मांग रही है, क्योंकि जनता इसका जवाब, 4 साल हो गया अध्यक्ष जी, 4 साल हो गया आप विकास की बात कर रहे हैं, कि मऊ में कौन सा विकास हुआ है? आपकी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 1 साल हो गया, प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल प्रदेश सरकार को हो गया और 4 साल आपकी केंद्र सरकार को हो गया। मऊ में आपने क्या विकास किया, यही बताइए, बस यही आप बता दीजिए। देखिए, मऊ के अंदर क्या क्या विकास हुआ, जब पूरे देश का विकास हुआ तो मऊ का भी विकास हुआ। हाँ, मऊ का विकास जानना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मऊ के संदर्भ में बात करने आपसे, आपने बलिया को गिनाया है? बलिया गाँव नहीं, मैं आजादी के 70 वर्षों बाद ऐसा ऐसी भी स्थिति है, क्योंकि पूरे देश में 4 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसलिए हर जिला मुख्यालयों पर प्रमुख लोगों को भेजा गया। यानी आप स्वतः सोच सकते हैं, अगर कोई बाहर से आया है तो उसे अभी स्थानीय स्तर पर क्या क्या हुआ है इसके विकास की जानकारी नहीं है। आप यानी मऊ में विकास मऊ में आता है, आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ आए तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधियों से बात करूंगा और इसके विकास जो संज्ञान में लाए हैं, उन्होंने गांव को गोद में लिया, विकास नहीं हुआ, उन सब के विषय में आपने कहा कि मऊ की बात करने आप नहीं आए हैं। विकास हो चाहे ना हो, इससे बीजेपी को नहीं मतलब है मऊ में। एक छोटी सी बात, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़ी बातें हैं, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3-4 चीजें होती जो हर हर व्यक्ति, मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी जरूरतें हैं, इसमें कितना विकास इम्प्रूवमेंट हुआ जरा ये। अब आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर हर हर 2-3 जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, एम्स गोरखपुर में आया है, शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह कॉलेजेज खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोले। मू जनपद की लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।